जय सेवा सगाजनों, मैं किशन विकाल आप सभी गोंडानवासियों का गोंडास गुंडे लंबे चैनल पर स्वागत करता हूँ। सगाजनों, जैसे कि हमने कल साधा से निर्जकता दो मार, यानी इसका मतलब होता है सहायकर्य क्रियापदों की रचना, है ना। उसमें भी हम रचना में जैसे कि जो क्रियापद होते हैं हमारे, जो सहायकर्य क्रियापद होते हैं उसमें हम स्वर प्रत्यय, उसमें रूपग्राम किस प्रकार से लगाते हैं उसका हमने डिटेल्स में अध्ययन किया था। तो सगाजनों, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत कम देखा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा सभी लोगों ने, है ना, तो तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सगाजनों, आज का हमारा सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम जैसे कि इसमें जो जैसे कि थर्ड पर्सन में जैसे कि हम न्यूट्रल वाली जो वस्तु होती है ना, जैसे कि उसमें भी स्त्रीलिंग होता है फेमिनाइन, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, है ना। तो उसमें भी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है तो उसको भी हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। मैंने 10 सेंटेंस लिया, वो आप लोगों को इसको लिखना है, अपने कॉपी में लिख कर रखना है, उसे डे बाय डे मेमोराइज करना है और बार बार बोलने की कोशिश करना अपने दैनंदिन जीवन में, है ना। तो इसका हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। तो सगाजनों, आप एक गोंडवाना के इस गोंडवाना लैंड में रहने वाले गोंड लोगों गोंड व्यक्ति है ना, अपनी एक यानी एक स्वयं की एक पहचान है। जैसे कि हमारे गोंडी संस्कृति है, गोंडी भाषा है, गोंडी धर्म है, गोंडी सभ्यता है, सब कुछ है ना। जो सगाजनों, जो सच्चा गोंड है वो अपनी संस्कृति सभ्यता भाषा धर्म के अनुसार चलता है ना। तो आपका भी एक समाज के प्रति एक अच्छा कार्य होना चाहिए, जैसे कि हम हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। जैसे कि हमारी एक संस्कृति है ना, हमारे गुंडी संस्कृति है, हमारी एक गुंडी भाषा है। आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने गुंडी मातृभाषा को सीखना अपना एक कर्तव्य होता है ना। तो जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी, ओके। तो देखिए सगाजनों, जैसे कि हमारे जो डमरू में से जो धुन निकलता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ अड़ंग अड़ंग इडंग इडंग उड़ंग उड़ंग, है ना। तो जैसे कि अभी आप देखिए उड़ंग, है ना, उड़ंग और उड़ंग, है ना। तो एक ऐसे डमरू में से डमरू की धुन में से साउंड निकलता है। तो हमारे लिंगो जो होते हैं ना, हमारे जो संस्कृति के जो लिंगो होते हैं, यानी हम उन्हें मोटा बोलते हैं, जैसे कि पांडी पर कुमार लिंगो, है ना। तो उसको कैसे वो जुबा से एक उच्चार करते, जैसे कि उड़ंग को क्या बोलते हैं उर, है ना। फिर उसके बाद में बड़ा वो जो आता है उसको किस प्रकार से बोलते हैं, उसको उर, है ना, उर इस प्रकार से, ओके ना। तो अभी जो है ना, ये जो है ना, ये वो और ये बड़ा वो, है ना। तो अभी छोटा वो जो है ना, हम जैसे कि जो सिंगुलर जो क्रियापद होता है ना, सिंगुलर क्रियापद जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ना। और ये जो बड़ा वो जो है ना, बड़ा वो, है ना, तो हम जो किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम अनेकवचनी के लिए, है ना। अनेकवचनी जो हमारा सहायकर्य क्रियापद होता है ना, और मेन क्रियापद होता है उसके लिए हम उर यूज करते हैं, ओके ना। तो अभी मैंने आप लोगों को सेंटेंस दिया हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ओके। तो जैसे कि अभी देखिए हित कोटका पिटके, हित कोटका पिट्टे आंध, है ना। इसका मतलब क्या होता है, हित का मतलब होता है यह, कोटका पिट्टे का मतलब होता है जो अपनी चिमनी जो होती है ना, जैसे कि हम बोलते हैं उसको स्पैरो यानी गोरैया, है ना। तो उसका ये मीनिंग होता है जैसे कि कोटका पिट्टे, है ना। पिट्टे का मतलब होता है पक्षी, है ना। और आन का मतलब क्या होता है, ओके ना, आन क्या हमारा सहायकर्य क्रियापद है, ओके। तो देखिए अभी मैं बोलता हूँ हित का मतलब क्या हो रहा है, यह, ओके ना। तो जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पे इसमें क्या लगाना है, स्वर लगाना है ना। जैसे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हो रहा था, है ना, तब तो वो लिपि को जो अपनी जो गुंडी लिपि है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पिक्टोग्राफ्स है वो क्या अपने वाली लिपि है ना। तो उसको कैसे ये अंग्रेज लोग जो है ना, वो आके भी जैसे कि संस्कृत वाले भी हो गए, तमिल लोग हो गए, कन्नड़ लोग हो गए, मलयालम लोग हो गए, इन्होंने भी बहुत बार कोशिश की पढ़ने की, है ना, फिर भी वो लोग समझ नहीं पाए उस लिपि को, है ना। तो मगर वो जो लिपि है अपनी लिपि है ना, तो उसमें जो स्वर रूपग्राम जो बनते हैं, है ना, वो गुंडी लैंग्वेज के सिमिलर ही है, इसलिए वो जो है ना, वो जो लिपि है अपनी गुंडी लिपि है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने बोला था सर जॉन मर्शल हो गया, कोल्डहेल हो गया, है ना, आस्को परपोला हो गया, उन्होंने बोला कि जैसे कि बोले इसमें जो स्वर प्रत्यय लगता है बोले, है ना, वो सिर्फ बोले आपको गुंडी लैंग्वेज में देखने को मिलता है बोले, है ना। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों को कल भी मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है ना, हर कर्ता के अनुसार हर क्रियापद में चेंजेबिलिटी होती है ना। तो इस प्रकार से अभी देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आन का मतलब क्या होता है, जो कि आड़ंग धुन से बनता है हमारा, आड़ंग धुन से बनता है ना आंध, ओके। तो अभी देखिए आन का मतलब क्या हो रहा है, ओके ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को इसमें स्वर लगाने का रहा है ना, तो इसमें मेरे को स्वर लगाने का रहा तो मैं क्या करता, ऊ लगाता हूँ इसमें, है ना, ऊ। तो ये कैसा होता, अंधु, है ना।
हित कोटका पिटके हित कोटका पिट्टे अंधो, यानी इसका मतलब क्या था, ये गोरैया पक्षी है ना। तो जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पर भी स्वर लगा कर रहा है ना, तो मैं कैसा लगाऊंगा, इस प्रकार से लगाऊंगा, हिदो कोटका पिट्टे अंधो, है ना। इस प्रकार भी बोल सकते हैं आप सेंटेंस को, या तो फिर आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं हित कोटका पिट्टे अंध, इस प्रकार से दोनों प्रकार से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, ओके ना। तो अभी ये क्या होगा, हम जैसे कि ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया हमारा, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें देखो हम पुल्लिंग टाइप करते हैं, है ना। अभी जो है हमारे पास में है, जैसे कि हम न्यूट्रल वाली, जैसे कि पेड़ पौधे पशु पक्षी है, तो उसके लिए हम हमेशा हिद हाद हादो हिदो, है ना, इस प्रकार के हम सर्वनाम यूज करते हैं, जो कि हम हमारा ये किससे बनता है, हड़ंग, है ना, हड़ंग धुन से बनता है, ओके ना। तो अभी पुलियाल का मतलब, अभी हित का मतलब क्या होता है, यह पुलियाल का मतलब क्या होता है, शेर, है ना, यानी टाइगर, ओके। आन का मतलब क्या है, होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम यहाँ पे उर लगाते हैं, है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे उर लगाते हैं, किसको उर लगाते हैं, आन जो हमारे साइकिल क्रियापद है उसको लगाते हैं। तो हम वो क्या, हमारा छोटा वो है ना, तो हम इस प्रकार से लगाएंगे, ओके ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यह बाघ है ना, यह वाघ आहे, है ना, ये वाघ आहे, इस प्रकार से, ओके ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंग्लिश में देखिए, दिस इज अ टाइगर, है ना, इस प्रकार से बोलेंगे हम। जैसे कि आंदूर का मतलब क्या हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारा, पुलियाल का मतलब क्या होता है, शेर, है ना। ये क्या है, मैस्कुलिन टाइप का है ना, यानी जैसे कि पुरुष लिंग टाइप का है ना। अगर हमारे पास यहाँ पे स्त्रीलिंग रहा तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पुल्ली, पुल्ली का मतलब क्या होता है, शेरनी, यानी बाघिन, ओके। फिर इसमें हम क्रियापद चेंज हो जाएंगे हमारा, फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिर्फ अंधू, है ना, र नहीं लगाएंगे, ये उर नहीं लगाएंगे, ओके ना। अगर हमें इसमें जो बड़ा उर, ये जो उर जो है ना, इसमें हम इस प्रकार से लगाएंगे, है ना, इस प्रकार से लगाएंगे, फिर इसमें र में क्या लगाएंगे, हमें क प्रत्यय लगाएंगे, अगर हमें अनेकवचन बनाने का रहा है ना सेंटेंस। तो जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे अनेकवचन सेंटेंस देख लीजिएगा आप लोग, जैसे कि मैं बोलूँगा हेर पुलियाल का इंदुर्क, है ना, हेर पुलियाल का इंदुर्क, इसमें भी क प्रत्यय लगेगा, फिर इसमें भी क प्रत्यय लगेगा, और इसमें भी क प्रत्यय लगेगा, है ना। तो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में ऐसा देखने को नहीं मिल देंगे आप लोगों को, सिर्फ बुंदेली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ओके ना। तो इस प्रकार से अभी देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, अभी यहाँ पे हाद नर्मदा हाद नर्मदा ढोडांत, है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है, हाद का मतलब होता है वह नर्मदा, यानी नर्मदा पहले क्या प्राचीन समय में क्या नाम चलता था हमारा, नर्मदा, हम क्या बोलते हैं उसको गुंडी भाषा में, नर्मदा, है ना, ये अपना गुंडी भाषा का शब्द है। ढोडा का मतलब होता है नदी, और आन का मतलब क्या होता है ना। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें छोटा ऊ लगाता हूँ, है ना, यानी वह नर्मदा नदी है ना, हाद नर्मदा ढोडा अंधु, है ना, इस प्रकार से। तो हादू भी लिख सकते हैं आप, ओके ना, इस प्रकार से। अभी आप देखिए, अभी सेकंड सेंटेंस देखिए, अभी इसी के सिमिलर, हाद सतपुड़ा मिट्टान, है ना, हाद सतपुड़ा मिट्टा आंद, यानी इसका मतलब क्या होता है, वह सतपुड़ा पर्वत है ना, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है ये। जैसे कि यहाँ पे देखिए आंध, है ना, तो इसको देखिए मैं आंध को क्या करता हूँ, आंदूर कर देता हूँ, है ना, जो कि हमारे को कैसा लगता है, वो मैस्कुलिन टाइप लगता है ना। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आंदूर, है ना, ये उर प्रत्यय यहाँ पे लगा दिया हूँ, ओके। जैसे कि वह सतपुड़ा पर्वत है, मिट्टा का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है, ओके ना। इसी के सिमिलर अभी चट्टान भी शब्द बना ले हिंदी भाषिक वालों ने, ओके ना। देखिए अभी हिद पिंडी आन, है ना, हिद पिंडी आन, यानी इसका मतलब क्या होता है, यह आटा है ना, यह आटा है। पिंडी का मतलब क्या होता है, आटा होता है, जिसे इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। फिर इंग्लिश में सेंटेंस कैसा होगा, दिस इज फ्लावर, है ना। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं छोटा वो लगाता हूँ, है ना, हिद पिट्टी आंदू, सॉरी हिद पिंडी आंदू, है ना, इस प्रकार से। अभी देखिए ये सेंटेंस देखिए, अभी हित पोयाल इलते कोयाल आंद, है ना, जैसो आमोट हिंदी लंबे से वर्की तोरम, यह पोयाल का मतलब क्या होता है, पोयाल तंजर राजा, है ना, पोयाल का मतलब होता है गोंड व्यक्ति, ओके ना। जैसे कि हम गुंडी लैंग्वेज में उसको दूसरा शब्द हमारा गुंडियाल, है ना, तो हम क्या बोलेंगे हैं, यह राजा
है ना, तो फिर इसमें क्या लगाएंगे हम, उर प्रत्यय, ओके ना। यह राजा है, अभी यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस, यह गोंड आदमी है। कोयल का मतलब क्या होता है, गोंड आदमी, ओके ना। आंदुर का मतलब क्या होता है, ओके। तो अभी देखिए, हाँ तो जैसे देखिए अभी मैं बोलता हूँ हाद नागपुर कोयाटी आन, है ना, यानी वह नागपुर शहर है। कोयाटी का मतलब क्या होता है, शहर होता है, आन का मतलब है ना, वह नागपुर शहर है। तो इसमें मैं छोटा वो लगा देता हूँ, है ना। अगर हमें, है ना, हादू भी ले सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि हाद वह नागपुर शहर है, ओके ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी, हाद लिंगुन नारान, है ना, हाद लिंगुन नारान, इसका मतलब क्या होता है, वह लिंगो का गांव है, वह लिंगो का गांव है। नारा का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे गांव होता है, लिंगोन, है ना, यानी लिंगो क्या है, हमारा एक पुरुषवाचक नाम है, ओके ना। फिर उसमें न लिया हमने, न का मतलब क्या होता है, का, है ना। या तो फिर आप यहाँ पे तोर भी ले सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, ओके, यानी वह लिंगो का गांव है, ओके। तो कुछ कुछ लोग इसको नार बोलते हैं सिर्फ, है ना, नार नहीं है, नार है ना, इस प्रकार से। अभी नार शब्द से नगर शब्द बना है ना, नार, ये हिंदी भाषी वालों ने कैसे नार शब्द, गोंडी भाषा जो पोटोदड़िन भाषा, बहुत सी भाषाओं की जननी है ना, नार से उन्होंने शब्द कौन सा बनाया, नगर, ओके ना। देखिए अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी, ये जंगुन रोनांद, है ना, सगा जो ये सारे के सारे शब्द दिखेंगे आपको, ये पोटोदड़िन यानी जो तमिल भाषा है, कन्नड़ भाषा है, तेलुगु भाषा है, ये हिदू हादू है ना, ये सारे शब्द आपको उस भाषा में देखने को मिलेंगे, है ना, ओके। तो अभी देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, ये जंगुन रोन आंद, है ना, ये जंगुन रोन आंद, यानी इसका मतलब होता है, यह जंगो का घर है। रोन का मतलब क्या होता है, घर होता है, आन का मतलब क्या होता है, ओके ना। ये जंगो ना, ये जंगोता रोन आंद, है ना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, छोटा वो लगा देता हूँ, ये जंगो ना, ये जंगोता रोन आंदो, है ना, इदु जंगोता रोन आंदू, है ना। न के बदले में मैं ता भी ले सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी देखिए सेकंड, इसमें देखिए सेकंड सेंटेंस, हाद नावर पेंठाना आंध, है ना। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं आंदूर लगा देता हूँ, ओके ना। वह मेरा देवालय है ना। पेंठाना का मतलब क्या होता है, देवालय होता है। दूसरा शब्द हमारे पास जैसे कि पेनखड़ा, पेनखड़ा का मतलब होता है देवास्थल, देवालय, ओके ना। आंदुर का मतलब है, नावर का मतलब होता है मेरा, मावर का मतलब होता है हमारा, निवर का मतलब होता है तुम्हारा, म्यूर का मतलब होता है आपका, ओके ना, इस प्रकार से। अभी देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए अभी, नेक्स्ट सेंटेंस, अदिलते हाद, है ना। इस अद का मतलब क्या होता है, आप इसके लिए, जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, आप ही दिया तो हाथ के जगह पे अद भी लगा सकते हो आप, है ना, मगर जो न्यूट्रल वाली वस्तु ही होती है ना, उसके लिए आप हमेशा ही दिया तो हाद ही यूज करिए, ओके ना। जैसे कि अभी मैं देखिए, अद का मतलब क्या होता है, वह, ईद का मतलब क्या होता है, यह, ईद का मतलब क्या होता है, यह, हाद का मतलब होता है वह, जंगो आन, यानी हाद जंगो आन, यानी वह जंगो है, ओके ना। अभी इसको जैसे कि हमारे जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ना, अद, है ना, मैं क्या बोलता हूँ, अद जंगो आन, यानी वह जंगो है ना। अद का मतलब क्या था, वह जंगो है। तो हम उसके बदले में जैसे कि हाथ भी यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि दिस इज अ जंगो, है ना, दिस इज जंगो, यानी यह जंगो है ना, दैट इज जंगो, यानी दूर में खड़ी है वह जंगो, यानी वह जंगो है, इस प्रकार से। आप जैसे कि अद के विपरीत, अद के बदले में, है ना, ही दिया तो हाथ भी यूज कर सकते हैं, ओके ना, अद के बदले में ही दिया तो हाथ भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो अभी देखिए पुरुषवाचक, इसमें देखिए मैं कैसा बोलता हूँ, और के बदले में आप और भी यूज कर सकते हैं, ओके ना। जैसे कि अभी देखिए, और मावर तम्बुर आंद, यहाँ पे आंदने चाहिए तो ये आंदुर चाहिए, है ना, हमें उर प्रत्यय लेना है यहाँ पे। जैसे कि और मावर तम्बुर आंदुर, है ना, वह मेरा, तम्मूर का मतलब क्या होता है, छोटा भाई, यानी यंगर ब्रदर, है ना। अगर हम तम्मूर का मतलब क्या हो रहा है, यंगर ब्रदर, यानी छोटा भाई। अगर हम इसके बदले में चुडूर तम्मूर भी लगा सकते हैं, मगर कैसे, अपने आप में एक स्वयंपूर्ण शब्द है ना, छोटा भाई। अगर हमारे पास यानी बड़ा भाई रहा, तो हम उसके लिए जैसे कि फड़ा तम्मू, है ना, फड़ा तम्मू। अगर हम छोटा भाई रहा, तो उसके लिए हम दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, जैसे कि चुडूर तम्मू, है ना, चुडूर तम्मू, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे जैसे कि बहन लगाने का रहा, है ना,
जैसे कि हम बोलते हैं सेलार, सेलार का मतलब क्या होता है, सिस्टर यानी बहन, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है यंगर सिस्टर, इस प्रकार से बोलते हम उसको। अंदुर का मतलब क्या होता है ना, अगर हमने यहाँ पे सेलार लिया तो हमारा क्रियापद क्या होगा, चेंज होगा, ओके ना। हर कर्ता के अनुसार अपना गुंडी भाषा में क्या होता है, क्रियापद चेंज होता है, ओके ना। तो सगाजनों अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो वीडियो को पुनः रिवाइज करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, है ना, तब आप लोगों को बराबर समझ में आ जाएगा। तो सगाजन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। तो सगाजनों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करेगा, सभी लोगों के पास ये पूरा का पूरा डाटा पहुँचना चाहिए, है ना। तो सगाजनों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय गुणा।